संभल से सनसनी मामला आया सामने, जहां पर मध्य रात्रि के समय थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम मखमूदपुर के पास हिस्ट्रीशीटर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 15,000 का इनामी और दर्जन भर से अधिक मुकदमों में वांछित चल रहा हिस्ट्रीशीटर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। SOG क्राइम ब्रांच व 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मौका पाकर 2 बदमाश फरार हो गए। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 27/28 के रात्रि को सितंबर माह में थाना हजरत नगर गढ़ी के ग्राम मंगनपुर से 2 बैल चोरी हुए थे, जिनके अवशेष चिमयावली गांव थाना संभल में प्राप्त हुए थे। इस सूचना पर पुलिस द्वारा थाना संभल तथा हजरत नगर गढ़ी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई में अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, जिसके संदर्भ में 3 अक्टूबर को थाना संभल पुलिस द्वारा 6 अभियुक्त, जिनके नाम इनामी सलमान, तस्लीम, मुशाहिद, सलीम और सलमान हैं, को 1 स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तथा 3 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 3 चाकू नाजायज गोवध के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में कुछ अभियुक्त वहां से एक XUV गाड़ी में भागने में सफल हुए, जिनकी तलाशी को अलर्ट जारी किया गया था। इसी अलर्ट के दौरान हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद संभल रोड पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को पुलिस के द्वारा चेकिंग पे रोकने की कोशिश की गई और नहीं रुकते हुए उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के टांगों में गोली लगने की बात प्रकाश में आई। उक्त व्यक्ति की पहचान नासिर सनौत जाहिद निवासी नफासा के रूप में हुई, जो कि थाना संभल और हजरत नगर गढ़ी में पंजीकृत अभियोग में वांछित था, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम था और उक्त अभियुक्त के विरुद्ध 17 मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, जिसमें गोवध के भी मुकदमे शामिल हैं। उसके 2 साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना हजरत नगर गढ़ी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।